करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले संडे को आपको कहा था कि हमारी वीडियो का टाइम चेंज हो गया है और अब हमारी वीडियो आपको संडे को 7 बजे मिलेगी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नर्सरी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, थंबनेल आप देख के समझ गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने छत के लिए टेरेस गार्डन पे जो हम सीडलिंग तैयार करेंगे और कैसे हम अपने छत पे फ्रेश टमाटर अपने किचन के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। और दोस्तों, 7 बजे हर संडे के दिन हम आपसे मिला करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारे हाइब्रिड टमाटर का पैकेट। तो ये 10 रुपये का मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ। तो आप भी नर्सरी पे आराम से ये आपको 10 रुपये मिल जाएगा। इसकी प्राइस जो है कि वो 30 रुपये दिया हुआ है इस पर ये 10 रुपये में मिलता है। अगर आप इसको आपके आसपास नर्सरी पे ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, पर ऑनलाइन में इसकी जो है MRP कुछ बढ़ जाएगी। तो आप इस बात का ख्याल रखिए, अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो आप इसे ऑफलाइन लें और एक्सपायरी डेट चेक करके ही लें, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। दोस्तों, इससे पहले हमने एक टमाटर पर वीडियो बनाई है अपने घर के टमाटर से कैसे तैयार करें, तो वो वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें मिट्टी लेनी होगी। तो मिट्टी देखिए, ये हमने ली है, इसमें 50% गार्डन सॉइल है और इसमें हमने थोड़ी कंपोस्ट मिलाई है, केचुआ खाद, और इसमें हमने जो कि है इसे ड्राई किया है, उसके बाद हमने इसमें नमी करके फिर इसमें हम सीड लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको बेल ड्रेन बनानी है सॉइल, ताकि पानी ड्रेन आउट हो सके। तो दोस्तों, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, एक हाथ में मेरे कैमरा है। तो दोस्तों, हमने देखिए इसमें सीड जो है कि लगा दिए हैं, तो मुझे वीडियो रोकने पड़ गई थी, एक हाथ में मेरे कैमरा है। तो दोस्तों, ये देखिए, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता, बस सीड डाल के इस पर पानी डाल देना होता है। दोस्तों, इसको हमको ऐसी जगह रखना जहाँ इसे डायरेक्ट सन ना मिले, बस इस पे रोशनी आनी चाहिए बस, और इसे हम छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं इसमें, देखते हैं कितने दिनों बाद इसमें सीडलिंग तैयार होती है। तो दोस्तों, फाइनली 18 दिन हो चुके हमारे सीडलिंग किए हुए, और इसमें काफ़ी प्लांट बड़े हो गए हैं और कुछ छोटे छोटे भी हैं। तो रिजल्ट तो हमें 50% नहीं मिला है, पर जो भी रिज़ल्ट मिला है वो सही ही मिला है, क्योंकि दोस्तों हमारे पे इतने गमले नहीं है कि हम ज़्यादा प्लांट लगा सकें, हमें 4 से 5 प्लांट चाहिए होते हैं। और ये देखिए, मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया था, तो इसमें देखिए, इसमें पानी जब मैं डालता हूँ पानी ड्रेन आउट हो जाता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हम इनको एक एक करके इनको अलग अलग जगह पर हम शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने किचन के लिए हम इसी तरह तैयार करें फ्रेश टमाटर। तो मैं अपना एक प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया है। तो दोस्तों, मैं वीडियो रोकनी मुझे पड़ती है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा ले रखा। तो दूसरा प्लांट देखिए, एक प्लांट हमने यहाँ लगा दिया, एक प्लांट हमने यहाँ लगा रखा। तो पानी हम सब अपने प्लांट को दे देते हैं। दोस्तों, 4 से 5 प्लांट हमारे किचन के लिए बहुत हैं, कुछ ही दिनों में इनमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होने लगेगी, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इनकी अपडेट आपको दिखा सकूं। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने छत पे एक छोटी सी बागवानी ज़रूर बनाए, उसमें किचन गार्डनिंग करें, तो आपको काफ़ी मज़े मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, अपने हाथों से फ्रूट लगाएँ और उस फ्रूट को खाने में कुछ अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते रहिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं भी अपने घर में छोटे छोटे ये ऐसे ही किचन गार्डनिंग करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख देख के भी सीख सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं आपको संडे के दिन।